इधर पूरी टीम ताकत से भरी हुई, इधर छोटे छोटे खिलाड़ी हैं लेकिन स्कूली बच्चे हैं, ये दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ भी परिणाम हो सकता है। कभी कभी सुई भी हाथी को मार डालती है बाबू। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, और सुई जो काम करती है वो हाथी नहीं कर पाता। सही बात है, सही बात है। एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे अगर जीत दर्ज कर दो। हरिपुरा के खिलाड़ी गए हैं क्वार्टर फाइनल मुकाबला, बहुत बड़ा महा मुकाबला है आज का, ये तीसरा क्वार्टर फाइनल चल रहा है, और बोनस लेकर आए वहां पर, एक पॉइंट बोनस के रूप में हरिपुरा को। और ये किशन सात नंबर जर्सी में गए हैं, छोटे कद के खिलाड़ी लेकिन अनुभव रखते हैं, और ये लेकर आए हैं शायद एक पॉइंट थला के खाते में, थला ने खाता खोला। वैसे बाबूजी अभी परिवर्तन का समय चल रहा है वर्ल्ड कप में, आप देख रहे होंगे नीदरलैंड आयरलैंड जैसी टीमें श्रीलंका और इंग्लैंड को हरा रही है। बिल्कुल परिवर्तन, तो परिवर्तन कभी भी हो सकता है और सब संभव है। ओहो हो, ओहो, बोनस और एक पॉइंट, स्कोर है 3-2। प्लीज ध्यान दे दर्शक, 3-2 थला। बाणा की टीम के खिलाड़ी ने अपने कपड़े उतारे थे यहाँ बाहर, उसमें से एक तो जैकेट और एक मोबाइल, मोबाइल और जैकेट घूम गया है, प्लीज किसी को मिला हो तो बोनस प्लस वन। जैकेट और मोबाइल घूम चुका है यहाँ से, कपड़े उतारे थे बाहर, दर्शकगण ध्यान दे, अगर किसी को मिला है तो हमें सूचित करें ताकि वहाँ उनके पास पहुँचाया जाए, उसके खिलाड़ी के पास। चेतन कुमार 3 नंबर, क्योंकि मोबाइल तो मिलना ही है, सबको पता है, अगर मोबाइल तो कहीं जाने वाला है नहीं, ट्रेस हो जाएगा, किसी के पास हो तो उपलब्ध करवा दें। पुलिस प्रशासन है, कैमरे लगे हुए हैं, आप कैमरे की निगाह में है, इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं दे, प्लीज ध्यान दें। 5 नंबर खिलाड़ी चले, बोनस का प्रयास, और ये बोनस लेकर आए हैं, और एक पॉइंट का इजाफा, 6-2 के साथ हरिपुरा आगे चल रही है, 6 हरिपुरा 2 थला है वहां पर, और दबोच लिया है थला के खिलाड़ी को, हरिपुरा के खिलाड़ियों ने रोक लिया गया वहीं। काफी लंबे कद के खिलाड़ी हरिपुरा के, पूरी पूरी एक जैसी टीम दिख रही है, एक जैसी टीम दिखाई देती है, संगठित और मजबूत टीम दिखाई देती है, और यहाँ पर टीम भी कम नहीं है भैया, छोटे छोटे खिलाड़ी लेकिन दबोच लिया गया वहां पर, लपेट लिया है पूरी टीम भावना है, छोटे कद के खिलाड़ी लेकिन दम बड़ा कर रहे हैं। एक बार फिर 3 नंबर जैसी चेतन, खिलाड़ी छोटे लेकिन दम बड़ा कर रहे हैं, मैच का मजा तो आने वाला है बाबूजी। बिल्कुल वही देखने को मिल रहा है, मजा सभी दर्शकों को आएगा, खिलाड़ी को जोश भर रहे हैं और उसी का परिणाम देखने को मिल रहा है, छोटे छोटे खिलाड़ी लगातार एक साथ संगठित होकर खेल रहे हैं, और हरिपुरा पर लगता है कोशिश पूरी करेंगे थला के खिलाड़ी। और वो सेल्फ आउट, एक एक पॉइंट, 8 हरिपुरा 4 थला, 8-4 का स्कोर है, और किशन गए हैं 7 नंबर जर्सी में, छोटे छोटे खिलाड़ी लेकिन बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, 8-4 का स्कोर है, और ये आए सामने, पहुंच चुके हैं आसानी के साथ, एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा, और ये शायद 2 पॉइंट लेकर आए, 2 पॉइंट, 6-8, 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
लेकिन सफल नहीं हो पाए। एक पॉइंट फिर से हरिपुरा के खाते में, दो बोनस प्लस वन, दो पॉइंट मिले, 10-6 के साथ हरिपुरा आगे। लगातार हरिपुरा बोनस पॉइंट ले जा रहे हैं। थलाको शानदार, एक पॉइंट थला के खाते में। थला को और कॉन्फिडेंट नहीं होकर अच्छे से खेलना होगा। सब कुछ संभव है अगर आप संगठित होकर पूरी प्लानिंग के साथ खेलते हो तो। बिल्कुल सही बात है सर, और वही कर रही है थला टीम और सफल भी हो रही, कुछ कुछ सफलता हासिल तो हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तीन खिलाड़ी बचे हैं हरिपुरा की, जाते ही पकड़ लिया है और प्रयास कर रहे हैं लेकिन साइड तक संभव नहीं हो पाया, प्रयास को विफल कर दिया है हरिपुरा के खिलाड़ियों ने। और एक बार फिर काफी शानदार टेकल, वहां पर टेकल अच्छा किया, अपने तक नहीं दिया खिलाड़ी को। 12-7 के साथ हरिपुरा ने बढ़त बनाई हुई है और दबोच लिया है थला के खिलाड़ियों ने। और चेतन एक बार फिर कबड्डी की जर्सी पहने हुए छोटे खिलाड़ी द्वारा बहुत ही शानदार टेकल यहाँ पर।
बिल्कुल 12-12-8 के साथ हरिपुरा आगे चल रही है। 12 हरिपुरा, 8 थला, तो ज्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा अगर थला को जीतना है तो। एक पॉइंट साइड खिलाड़ी सेल्फ आउट हो गए। दो पॉइंट सुपर टेकल था, सुपर टेकल था। और ये दो नंबर जर्सी, इन छोटी छोटी बातों का थला को ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स। काफी लंबे कद के खिलाड़ी, हरिपुरा के काफी लंबे कद के खिलाड़ी का बहुत बड़ा फायदा मिलता है और वही कर रही है हरिपुरा की टीम। मुझे ऐसा लगता है कि दर्शकों की भावनाएं थला के साथ जुड़ी हुई है, छोटे छोटे बच्चों के साथ, और इसीलिए एक बार जोरदार तालियां थला के लिए बजनी चाहिए, जोश दिलाना चाहिए जरूर इनको, और थला के खिलाड़ियों को भी इन दर्शकों का जो सम्मान रखना चाहिए, इन्होंने जो जोश दिलाया है उसका सम्मान रखना चाहिए और एक पॉइंट अपने खाते में भी लेके आना चाहिए। बोनस का अच्छा प्रयास कर रहे हैं हरिपुरा की टीम, लगातार बोनस ले जा रही है और ये देखिए आपने आपकी तालियों और आपकी हुटिंग का, आपके जोश का इन्होंने सम्मान रखा, तो समय समय पर इनको जोश दिलाया आप। सुपर टेकल ऑन, शानदार टीम वर्क देखने को मिल रहा है थला की ओर से, और शानदार टीम वर्क छोटे छोटे खिलाड़ी का। 14-9 के साथ हरिपुरा फिर भी आगे, 14 हरिपुरा, 9 थला, 14-9 काफी शानदार टेकल। ये स्टार रेडर है हरिपुरा के, हरिपुरा के स्टार रेडर हैं, लेकिन साथ इनको दबोचना पड़ेगा अगर जोश दिलाना है अपनी टीम में, जोश भरना है तो। थला के खिलाड़ी पूरी नजरें गड़ाए हुए हैं इस खिलाड़ी पर, छोटे बड़े ही शानदार खेलते हैं ये गए। चेतन एक बार फिर से रेड पर सामने, और ये सफल नहीं हो पाएंगे वहां पर, कोशिश पूरी की थी चेतन ने अंतिम समय तक लेकिन सफल नहीं हो पाए। फिर से सुपर टेकल और 2 पॉइंट हरिपुरा के खाते में, और 16-9 के साथ हरिपुरा आगे। निगाहें रखनी होगी अगर कुछ करना है तो, निगाहें बिल्कुल पेनी रखनी होगी आपको, हार में निगाहों का बड़ा कसूर होता है, निगाहों को एक जगह जमा कर रखना पड़ेगा। और ये 8 मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट शेष है हरिपुरा खाते में, 2 मिनट शेष है, छोटे कद के खिलाड़ी गए हैं और ये जाते ही पकड़ा है लेकिन उसमें सफल नहीं हुए, 1 पॉइंट लेकर आए हैं। वेरी गुड, खिलाड़ी को छोटा देख के अच्छा दम दिखा रहे हैं हरिपुरा खिलाड़ी लेकिन उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, और लगातार अच्छा प्रयास। 17 हरिपुरा, 10 थला, 17-10, काफी शानदार, काफी होटिंग हो रही है दर्शकों, और होटिंग हो रही है, देखते हैं। 2 पॉइंट हरिपुरा के लिए लेके आए हैं, हरिपुरा खाते में 2 पॉइंट, प्रयास तो अच्छा करें लेकिन उसमें सफलता कम हासिल हो रही है। फिर गए 7 नंबर खिलाड़ी किशन, थला की ओर से देखते हैं किशन क्या कर पाते हैं, पर किशन को भी दबोच लिया है, रोक लिया गया, पूरी टीम एक साथ सपोर्ट करती है सभी खिलाड़ी, तो उससे ही संभव है। अब 20 हरिपुरा, 10 थला, और दोगुने पर चल रही है हरिपुरा की टीम, 10-20। 8 नंबर खिलाड़ी, ये मामला 10-20 पर पहुंच चुका है, देखते हैं थला के खिलाड़ी क्या उलटफेर करते हैं, क्या परिवर्तन कर पाते हैं, दर्शकों की भावनाएं थला के खिलाड़ी के साथ जुड़ी हुई दिखाई देती है। और ये फिर गए छोटे कद के खिलाड़ी, 7 नंबर जयमंतपुर की जर्सी पहन के 7 नंबर खिलाड़ी गए हैं, बोनस का प्रयास कर रहे हैं, और ये वहां पर पकड़ लिया गए हैं और नहीं पहुंच पाएंगे, काफी एक एक पॉइंट दोनों टीमों को, खिलाड़ी बाहर निकल गया और एक एक पॉइंट दोनों, और 21-11। अब देखते हैं हरिपुरा के वही स्टार खिलाड़ी एक बार फिर, 5 नंबर जर्सी और 4 खिलाड़ी थला के मौजूद, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये रेड दे रहे हैं और दबोचने की कोशिश, और थोड़ा संगठन की कमी दिखाई दी थला की टीम में, और 2 पॉइंट और टाइम आउट लिया है। संख्या में पहुंचे और जय रक्तदान शिविर में भाग लिया, बिल्कुल आप भी रक्तदान शिविर में पूर्ण सहयोग करें उसके लिए आपका साधुवाद और पूरी, और ये वहां पर रोक लिया गया सामने से, शानदार तरीके से ब्लॉक किया गया और खिलाड़ी को रोका गया, और
थला के लास्ट खिलाड़ी कोर्ट में डांस दिखाते हुए पीआर मेटल कुमाऊं की टी शर्ट पहने हुए 700 नंबर जर्सी में और रियाज की यार सेल्फ आउट हो चुके हैं, खुद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और आउट हो गए। 3 पॉइंट फिर से 3 पॉइंट दिए हरिपुरा को, हरिपुरा के साथ हुए बहुत पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। दर्शकों से अनुरोध है कि अगर मोबाइल मिल गया हो आपको तो पहुंचा दे, हमारे पास पहुंचा दे हम, ताकि उनको देश के मोबाइल और जैकेट। देखो आप पहुंचा नहीं पा रहे हो तो धीरे से जाके उसी जगह पर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ईमानदारी का परिचय दे अपना। बाकी आप तो कैमरे की निगाह में तो है, मोबाइल ट्रेस कर लिया जाएगा, पुलिस टीम हमारे साथ है, लेकिन फिर भी अगर आप ईमानदारी का परिचय देना चाहते हैं, नाम अलाउंस नहीं करूंगा, आप वहीं जाके रख दे, वो मिल जाएगा और वो ले लेगा, लेकिन एक बार आप वहीं रख दे जहां से उठाया वहीं। किशन 7 नंबर जर्सी में, बाड़ा के खिलाड़ी दूसरे जिले से अपने यहाँ खेलने आए हैं, उनका अगर मोबाइल और अगर शर्ट इस तरीके से चोरी होती है तो अच्छी बात नहीं है, धीरे से जाके उसी जगह पर रख दे, ईमानदारी का परिचय दे। ये मार साहब एरिया भाई, मार साहब बच्चा ने समझाओ, ईशान समझा रिया। और ये बोनस लेकर आए इसी बीच, और थला के खिलाड़ी एक बार फिर पॉइंट लेने के लिए कोशिश लगातार रेड कर रहे हैं, उसमें सफल भी हो रहे हैं और पहुंच चुके हैं। एक पॉइंट लेकर आए अपनी टीम के लिए, एक से कुछ स्कोर है 29-13, एक से कुछ बड़ा करना होगा धला टीम को अगर मैच निकालना है तो, मैच निकालना है तो बिल्कुल बड़ा करना पड़ेगा, स्कोर में उलट फेर करना पड़ेगा। 29-13 के साथ हरिपुरा बहुत बड़ी बढ़त लिए हुए हैं, और ये फिर से दौड़ के आए और ये मांगा है और बोनस प्लस वन, दो पॉइंट लेकर आए हैं। वैसे भी हरिपुरा जैसी मजबूत टीम के साथ अगर थला की टीम खड़ी है, सामने खड़ी है लड़ने के लिए, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, और थला टीम इतना प्रयास करके यहाँ तक पहुंची ये भी बहुत बड़ी, ये भी बहुत बड़ी बात है। छोटे छोटे स्कूली टूर्नामेंट खेलने वाले बच्चे खेल रहे हैं और इतनी बड़ी टीम के सामने इतनी हिम्मत जुटा पाना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। हरिपुरा टीम लगातार बोनस पॉइंट लेती है, हर रेड पर बोनस पॉइंट लेती है, उसी का नतीजा धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और बढ़त अच्छी बना ली, और वहां पर किशन रोक लिए, लगातार पॉइंट ले भी रही है और पॉइंट्स में इजाफा हो रहा है। 33-13 के साथ हरिपुरा ने बहुत ज्यादा बढ़त बना ली है, थला को कुछ बड़ा करना पड़ेगा अगर मैच में बने रहना है तो। छोटे खिलाड़ी आए हैं, सबसे छोटे खिलाड़ी थला टीम में ये है और वो आए हैं, काफी शानदार टेकल करते हैं, लेकिन इस बार रेड में भी आए हैं और ये प्रयास काफी अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रोक लिया, सफल नहीं हो पाए, डुबकी तो मारी थी लेकिन सामने से फिर सुपर टेकल वन, और हरिपुरा का स्टार खिलाड़ी स्टार रेडर मौजूद पूरा जोश के साथ, तीनों खिलाड़ी एक तरफ पूरा खिलाड़ी सोच रहे किसको रोके पकड़े, रिस्क ले या नहीं ले, और ले ली रिस्क, दबोच दिया दोनों को, पकड़ के ले आए अपने साथ, एकमात्र खिलाड़ी बचा है वो रेड देने के लिए, और स्कोर हो चुका है 36-13। लालू जी राइफल वाले स्प्रे आप लेके गए हैं वापस, आप सीखता है प्लीज यहाँ जमा करवाए ताकि दूसरे खिलाड़ी के काम आ सके। लालू जी राइफल वाले मेरी आवाज सुन रहे हैं तो, और ये पीछे कोर्ट में लास्ट खिलाड़ी हर बार यही रहते, पिछली बार भी शायद यही थे और इस बार भी यही है, और वहां पर रोक लिया गया, उठा लिया गया, आ रही है। चला के खिलाड़ी काफी अच्छा प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन प्रयास अच्छा है पर इस प्रयास को जीत में बदलने के लिए बहुत बड़ा उलटफेर करना पड़ेगा थला के खिलाड़ियों को, असंभव कुछ भी नहीं है अभी तक। जी हाँ मैं, और ये छोटे कद के खिलाड़ी प्रयास करें लेकिन खींच लिए गए वहां पर, और फिर से हरिपुरा के खाते में, तो मैं अब पहुंचा हूँ सुरास वाले गोवर्धन जी के पास। ये क्या कहना चाहते हैं? 43 के साथ हरिपुरा ने बड़ा बढ़त हुई है, गोवर्धन काकू के नाम से फेमस है, तो वो क्या कहेंगे किस प्रकार का आयोजन हो रहा है गोवर्धन जी? गोवर्धन काकू कुछ नहीं कहना चाहते, कुछ नहीं कहना चाह रहे, कुछ नहीं। और इसी बीच ये किशन चले हैं
किशन को बाहर भेज दिया है पीछे की तरफ से, पीछे वाले गेट से बाहर भेज दिया। लक्ष्मण लक्ष्मण कुछ कहना चाह रहा है शायद, पुराना टीम के कैप्टन है वो भी मना कर रहे। दिनेश यहाँ दर्शक शायद नाराज है, आप लेट पहुंचे उनके पास इसीलिए नाराज चल रहे हैं वो। आप इधर आइए पीछे की तरफ बाबू जी, इधर आपका वेट कर रहे हैं, इधर इधर इंतजार कर रहे हैं ये दर्शक। अर्जुन जी क्या कहना चाहते हैं, किस प्रकार का आयोजन हो रहा है, कैसा लग रहा आपको, कैसा लग रहा? बढ़िया है, आपको आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। तो इस बार किस प्रकार का आयोजन लगातार होने चाहिए? बिल्कुल आप हमारा सहयोग करेंगे इसमें, बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं। ये एक नंबर जर्सी हरिपुरा की ओर से। अर्जुन अभी अभी एंटर हुए हैं, देखते हैं क्या करते हैं ये। इनको लाए हैं हरिपुरा के खिलाड़ी और रेड देने के लिए भेजा है, और शायद ये एक्स्ट्रा खिलाड़ी थे, इनको प्रैक्टिस मैच खेलने के लिए भेज दिया थला के सामने। बिल्कुल प्रैक्टिस करवा रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस में असफल हुए पहली बार में। 44-16 का स्कोर। क्यों बाबू जी आपको लगता नहीं है बहुत ज्यादा स्कोर हो चुका है 44-16? बिल्कुल एक तरफा मुकाबला हो चुका है, फिर भी छोटे जो बच्चे हैं उनकी जो जो प्रयत्न किया वो काबिले तारीफ वाला है, प्रयास प्रयास काबिले तारीफ है इनका। तो अब मैं पहुंचा हूं गोपाल जी कुटियाखेड़ा वाले, जो क्रिकेट में काफी इंटरेस्ट रखते हैं, कबड्डी में भी पिछली बार टीमें लाए थे, इस बार नहीं लाए, अब नेक्स्ट टाइम क्या योजना है, आप टीम ला रहे हैं अगली बार? ये मैच देख के ऐसा लग रहा है अगली बार कुटियाखेड़ा की टीम वापस आएगी। इतना अच्छा आयोजन है कि इसको देख के मतलब कोई भी नई टीम लाने की मतलब सोचेगा कि इसमें अपनी नई टीम उतारे ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा इन्होंने, व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है, शानदार व्यवस्था है। बिल्कुल ये जो व्यवस्था हो रही है सर, तो ये व्यवस्था सब इन भामाशाहों और दर्शकों के सहयोग से हो रही है, जो ये इतने दर्शक देखने को मिल रहे हैं तो हमें थोड़ी मजबूती प्रदान मिल रही है इन दर्शकों की बदौलत, और हम अच्छी से अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। हरिपुरा की टीम लगातार आगे बढ़ती हुई और 46-16 के साथ, 46-16 हरिपुरा और 16 थला, 46-16 बहुत ही कम समय बचा है। अब इसके बाद तुरंत जो चौथा क्वार्टर फाइनल है वो फाइनल, मुकेश अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं, शरीर भी इससे नहीं संभल रहा है, क्या किस प्रकार है ये लाते हैं, और ये हंसते मुस्कुराते हुए फुल आनंदित है एक नंबर खिलाड़ी। वेरी गुड वेरी गुड, थला के खिलाड़ी फिर भी मैच के अंतिम पलों में भी अपना जोश बनाए हुए हैं, जोश बरकरार है और पहुंच चुके हैं। ये दो पॉइंट लेकर गए, जोश और जज्बा छोटे खिलाड़ी में बरकरार है, और इसी के साथ और हरिपुरा ने मैच जीता है, हरिपुरा ने मैच जीत लिया है 47-18। मुकाबला महा मुकाबला है।